पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन राज्यों में जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा की 230 में से 163 सीटें जीती हैं, तो छत्तीसगढ़ की 90 में से 54 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। वहीं राजस्थान की 199 में से 115 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। इस शानदार जीत के बाद जहां पार्टी ने एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया है, तो अब नतीजों के बाद कई और भी चुनौतियां बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैं। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन तीन राज्यों में सीएम फेस चुनना है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां शिवराज सिंह चौहान सब पर भारी नजर आ रहे हैं। शिवराज की लाडली बहना योजना और चुनावों में उनकी मेहनत को ही एमपी में बीजेपी की इस बड़ी जीत का कारण माना जा रहा है। ऐसे में सीएम फेस के लिए शिवराज सिंह चौहान का विकल्प तलाशना भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शिवराज का विकल्प इसलिए क्योंकि पार्टी ने चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा है और अब सीएम की रेस में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए हैं। राजस्थान में 199 में से 115 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए सीएम की रेस में कई नाम हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर राजघराने से आने वाली दिया कुमारी। राजस्थान में सीएम की रेस में कई नाम नजर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल के नाम की भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा चुनावों के बीच बाबा बालकनाथ भी अपने भाषणों के जरिए हिट रहे हैं। इसके साथ ही बाबा बालकनाथ के यादव होने के कारण राजनीति में ओबीसी कोटे को साधने की भी कोशिश की जा सकती है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के नतीजे सबसे चौंकाने वाले रहे हैं। इस राज्य में बीजेपी ने सारे समीकरणों को ध्वस्त कर जीत हासिल की है। न तो पहले किसी को बिल्कुल भी अंदाजा था और न ही एग्जिट पोल में किसी को पता चल सका कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी सीएम की रेस में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आलाकमान छत्तीसगढ़ की कमान किसे सौंपता है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसे मोदी की गारंटी नाम दिया था। बीजेपी के लिए एक चुनौती उन चुनावी वादों को पूरा करने की भी है। आइए जानते हैं कि बीजेपी ने चुनावों से पहले जनता से क्या क्या वादे किए थे, जिन्हें अब उसे पूरा करना होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उज्ज्वला स्कीम के जरिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने और गरीब परिवार की बच्चियों की 12वीं तक की पढ़ाई फ्री करने का वादा किया था। इसके साथ ही उन्हें यूनिफॉर्म, किताबें और स्कूल बैग खरीदने के लिए हर साल 1200 रुपये भी देने का वादा किया था। एमपी में बीजेपी के चुनावी वादों में हर महीने 100 यूनिट तक की बिजली सिर्फ 100 रुपये में देने समेत कई वादे शामिल हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने महतारी वंदन स्कीम शुरू करने का वादा किया था, जिसके तहत शादीशुदा महिलाओं को सालाना 12000 रुपये की मदद दिए जाने का वादा किया था। इसके साथ ही गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने से लेकर छात्रों को हर महीने ट्रैवल अलाउंस देने की बात की गई थी। राजस्थान में बीजेपी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इसके साथ ही अगले 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही थी। किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 12000 रुपये करने का वादा भी किया गया था।